लातेहार बेताल नेशनल पार्क के पलामू किला क्षेत्र में रखे गए पालतू हाथी को मार डाला। जानकारी के अनुसार बेताल नेशनल पार्क के पालतू हाथियों को पलामू किला क्षेत्र में रखा जाता है। बीती रात दो जंगली हाथी वहां पहुंचे और पालतू हाथियों से भिड़ गए। हाथियों की लड़ाई में पालतू हाथी काल भैरव का लोहे का सिकट टूट गया और वो भी जंगली हाथियों से लड़ने लगा। हाथियों की लड़ाई होने पर शोरगुल के बाद वहां तैनात वन कर्मियों ने बम पटाखे छोड़कर जंगली हाथियों को भगाने का प्रयास किया, परंतु जंगली हाथी वहां से नहीं भागे और लड़ते लड़ते पालतू हाथियों को जंगल की ओर ले गए। इस दौरान दोनों हाथियों ने पालतू हाथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने बताया कि वन कर्मियों ने हाथी को बचाने का पूरा प्रयास किया, परंतु जंगली हाथियों ने आक्रामकता दिखाते हुए पालतू हाथी को मार डाला। काल भैरव, बाकी तीन मादा है, एक छोटा हाथी है मुर्गेश, ये पांचों हाथी यहाँ पास में ही हमारा हाथी का शेड बना हुआ है और पिछले एक साल से यहाँ पे ये रह रहे थे। कल रात 9:30 बजे दो जंगली हाथी आए यहाँ पे, वो दोनों मेल थे और टस्कर थे। उन्होंने हमारे मेल टस्कर पे हमला किया। फिर जब दोनों जंगली हाथी हमारे इस पालतू हाथी को धकेलते हुए जंगल की ओर ले आए तो उन लोगों ने रेंज में खबर किया और रेंज से तुरंत लगभग 9:45 बजे 20 स्टाफ पहुंचे। वो 20 स्टाफ यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे खड़े थे और वहाँ से वो लोग शोरगुल कर रहे थे और काफ़ी बम वगैरह छोड़ रहे थे, परंतु वो दोनों जंगली हाथी यहाँ से नहीं गए और लड़ाई चलती रही। और लगभग 10:30 बजे जब वो दोनों जंगली हाथी आश्वस्त हो गए कि हमारे पालतू हाथी की मौत हो गई है, तब वो दोनों हाथी यहाँ से मूव किए और 10:30 में हमारे स्टाफ यहाँ पे स्थल पे पहुँचे। तो ये इसी अवस्था में यहाँ पड़ा हुआ था और आखिरी सांस उस समय चल रही थी और मुझे खबर गई 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा, तो उस समय तक काल भैरव की मृत्यु हो गई थी।